नरगिस दत्त, फिरोज खान, विनोद खन्ना, इरफान खान और ऋषि कपूर। पता नहीं ऐसे कई कलाकार हैं जो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से ग्रस्त थे और कैंसर से लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गए। सोनाली बेंद्रे, अनुराग बासु, मनीषा कोइराला, राकेश रोशन, युवराज सिंह जैसे कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो कैंसर से ग्रस्त थे। क्या आप लोग सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर साल दिन प्रतिदिन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एलोपैथिक दवाइयों की तरफ रुझान। हम हर बीमारी के लिए एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम अपने शरीर में इम्यून सिस्टम को ऐसे जाने अनजाने कई घातक बीमारियों के हवाले कर देते हैं। मगर हम अपने पौराणिक तकनीक आयुर्वेद का सहारा नहीं लेते। क्या आपको पता है बुखार से लेके कैंसर तक हर बीमारी का सफल और सटीक इलाज आयुर्वेद में है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आयुर्वेद ही हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और हमें ऐसे कई बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी एलोपैथिक उपचार से ग्रस्त हैं और लंबी लंबी दवाइयों के सहारे जी रहे हैं तो आज ही हमारे आयुर्वेदिक क्लिनिक में अपना इलाज शुरू कराएं। धन्यवाद।